गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। सपना सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। सौंपी चाबी। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे 2024 की योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरिसा भुवनेश्वर में आवास योजना एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया तथा कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी क्रम में जनपद के विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस सर्वे 2024 की योजना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की अध्यक्षता, मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार, परियोजना निदेशक राजेश यादव, डिप्टी कलेक्टर सदर चंद्रशेखर यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज एवं अन्य अधिकारियों तथा लाभार्थियों की उपस्थिति में मंगलवार को कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से उनके उद्बोधन को सुना गया एवं कार्यक्रम के समापन के उपरांत मौके पर उपस्थित आवास लाभार्थियों को अध्यक्ष सपना सिंह ने प्रमाण पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लाभार्थियों को उनके खाते में पैसा जाने हेतु बताया एवं अपील किया कि जैसे ही पैसा प्राप्त हो आवास को जल्द से जल्द बनवा लिया जाए, ये पैसा किसी अन्य जगहों पर खर्च न करे, केवल आवास के लिए प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ष 2024-25 विकास खंड सदर में 15 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिया गया तथा 21 को आवास की चाबी देकर गृह प्रवेश होने का प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारत सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के दो चरणों में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक जनपद के निम्नलिखित विवरण के अनुसार 80,243 आवासविहीन परिवारों को आवासीय सुविधा से आच्छादित कराया गया है। लाभार्थी अपने आवासों में निवास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में 315 अल्पसंख्यक वर्ग के आवासविहीन परिवारों को आवास आवंटित कर उनके खाते में एक साथ प्रधानमंत्री द्वारा प्रथम किस्त की धनराशि ₹40,000 आज भेजी जा रही है। योजना के अंतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक 80,558 लाभार्थियों को आवास की सुविधा से आच्छादित किया गया है। प्रथम चरण का वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 योजना से आच्छादित लाभार्थी 17,162 आवास से लाभान्वित हुए एवं द्वितीय चरण का 2020-21 से 2023-24 में आवास से आच्छादित लाभार्थी 63,081 लाभार्थी को आवास दिया गया तथा तृतीय चरण में 2024-25 से 2028-29 तक 315 अल्पसंख्यक वर्ग के आवासविहीन परिवारों को आवास आवंटित। प्रथम किस्त आज प्रधानमंत्री द्वारा खाते में जारी की गई है तथा नया आवास प्लस 2024 प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत नया सर्वे 2024 आवास प्लस एप के माध्यम से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी लॉन्चिंग आज प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इस आवास प्लस सर्वे 2024 के माध्यम से आवासविहीन परिवारों व कच्चे दीवार के कच्चे छत वाले घरों में रहने वाले परिवारों का सर्वे करके आवास प्लस की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आवासविहीन परिवारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक आवास की सुविधा से आच्छादित कराए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया है। जनपद के 16 विकास खंडों के अधीन आने वाली 1238 ग्राम पंचायतों में आवास प्लस सर्वे 2024 हेतु कुल 345 सर्वे तैनात कर दिए गए हैं, जिनके द्वारा सर्वे की कार्यवाही शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण की जानी है। उप के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा पात्रता मापदंडों को भी सरल बनाया गया है, जिससे कि ग्रामीण आवास विहीन परिवार को और आसानी से आवास की सुविधा प्राप्त कर सके। भारत सरकार द्वारा दोपहिया वाहन, लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर को पात्रता मापदंडों से बाहर कर दिया गया है तथा परिवार की आय की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त भूमि के मापदंडों को भी शिथिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पात्रता मापदंड में आवास विहीन परिवार, आश्रय विहीन परिवार, कच्ची दीवार व कच्चे छत के मकान में रहने वाले परिवार, हाथ से मैला धोने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर हो लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत अपात्रता मापदंडों में पक्की छत और या पक्की दीवारों वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवार और दो से अधिक कमरों के मकान में रहने वाले परिवार, बेसहारा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले मोटरयुक्त तिपहिया बहुपहिया वाहन वाले परिवार, तिपहिया चौपहिया कृषि उपकरण वाले परिवार, 50,000 रुपए अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपए से अधिक प्रति माह कमा रहा हो, व्यवसाय कर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास 2-5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, वे परिवार जिनके पास 500 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो, को आवास से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। इस तरफ घूम जाइए, साबरा बेगम, दूसरे नाम साबरा बेगम, एक तो छोड़ा वो कोना पकड़ा था, एक ही कोना पकड़ा ना, बेगम तैयार है, जलीम नीसा क्या जाता है, जलीम नीसा नुसरत जहां, बस यहां नहीं है, परहीनो बानो, परहीनो बानो तैयार है ना बेगम, जरीना बेगम, इब्राना क्या जा रहा है, इधर देखिए, राबिया पसंद लिया घर में, घर में आइए, हाँ क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सर लिखवा दीजिएगा, आगे प्रिंट करा प्रधानमंत्री जी का लिखवा दे जाएगा, आइए आगे आप आइए, क्या नाम है आगे लिखवा देना, समझू देवी है अभिमानी प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च रूपी प्रभाव CLAY शहरी के 4 लाख घरों के प्रवेश के शुभ अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से दो उच्चाधिकारियों को चाबी प्रदान करें, जगह जगह भूल माले जाते हैं हम लोग रविवास पर आए, बहुत खुशी अच्छे से हुआ था पाई सुभाषी महाराणा जी चरणों के